सत श्री अकाल, मैं हाँ तुहाडे नाल कृष्ण सिंह, पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन लैके हाजिर हाँ। खबरों की शुरुआत करांगे सियासत के जयकारे दे नाल। कोरोना महामारी विचाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताली अते थाली वजाओ प्रोग्राम तो बाद हुण पंजाब कांग्रेस ने जयकारा जयकोश प्रोग्राम का ऐलान किया, जिसका समा आ चुके है। सो 6 बजे का समा सी कि पंजाब के लोग जयकारे लाउण, इस तहत अपनी अपनी आस्था मुताबक जो बोले सोनिहाल हर हर महादेव के नारे लाउण का जिक्र होया सी। सो जयकारे लाउण का जिक्र होया सी। इस जरिए केंद्र सरकार तो आर्थिक मदद देण दी अपील, सरकार दी मंग नूं लैके समर्थन जुटाया जा रहा है। यह प्रोग्राम पंजाब कांग्रेस के सूबा प्रधान सुनील जाखड़ की पहल से हो रहा है। इस नूं लैके लोगों तो अपील करते हुए जाखड़ ने एक वीडियो भी जनतक किया सी, जिस विच उन्होंने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई विच पंजाब ने करोना बीमारी नूं फैलण तो रोकण विच वड्डी कामयाबी हासिल की है। कैप्टन साहब ने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी नूं पंजाब वास्ते एक वड्डा आर्थिक पैकेज देण दी अपील की है। मेरी बेनती है साथियों, कैप्टन साहब की इस अपील नूं आपां हुंगारा देईए जयकारे दे नाल। मैनूं पूरा यकीन है अज इस पंजाब की औखी घड़ी दे विच अपने राज दे पंजाब की गल करिए कितना किते पैकेज की मांग जो केंद्र तो की जा रही है। कोरोना महामारी विचाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताली अते थाली वजाओ प्रोग्राम तो बाद हुण पंजाब कांग्रेस का जयकारा जयकोश प्रोग्राम है। नीतिका साढ़े पत्रकार लाइव साढ़े नाल जुड़ चुके। नीतिका, इस जयकारिया नूं किहड़े नज़रिए नाल समझिए, कितना किते जिथे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिथे ताली अते थाली वजाओ प्रोग्राम सी, उस तो बाद कितना किते पंजाब कांग्रेस भी उसे राह ते है। सो नीतिका नाल संपर्क नहीं हो चुका। कुलवीर साढ़े पत्रकार साढ़े नाल जुड़े हुए ने। कुलवीर दवान, जिस तरह के नाल असी जिक्र कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिथे ताली अते थाली वजाओ प्रोग्राम का जिक्र करते हैं, तो उत्थे ही पंजाब कांग्रेस ने जयकारा जयकोश प्रोग्राम का ऐलान किया सी, किहड़े नज़रिए नाल समझिए। एक पासे केंद्र तो मंग की जा रही है, तो दूजे पासे सियासतदाना का कितना किते इस मामले दे विच जयकारे लगाउणा, किहड़े नज़रिए नाल देखिए इस चीज़। देखो बिल्कुल, असं इन्हां दे अर्थ भी समझाते जाते हैं, तो इस वेले तुसी नज़ारा जिहड़ा हैगा वह भी वेख सकते हो। मोहाली दे विच मैं मौजूद हाँ इस वेले, इत्थे तुसी देख सकते हो कि हालांकि बरसात है, उस तो बावजूद भी लोग जिहड़े हैगे ने वह छत्तरियां लैके अपने घरां तों बाहर निकले ने, ते किते ना किते जयकारा जिहड़ा हैगा वह बुलाया जा रहा है। सत श्री अकाल जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। इस तों इलावा हर हर महादेव दे जिहड़े जयकारे ने वह लगाए जा रहे ने। तुसी वेख सकते हो कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी एक खास ख्याल जिहड़ा हैगा वह रखा जा रहा है। तुसी वेख सकते हो कि बिल्डिंग दे उत्ते भावें युवा ने या फिर होर बजुर्ग ने, महिलावां ने ते पुरुष ने, तमाम यह किया जाए कि हर वर्ग जिहड़ा हैगा वह इस नूं समर्थन देने वास्ते अपने घरां तों बाहर निकल के नारे लगा रहा है। एक वड्डा हुंगारा जिहड़ा हैगा इस थां ते तक घट्टो घट के किया जा सकदा है कि कांग्रेस दे पंजाब दे अध्यक्ष सुनील जाखड़ दे समर्थन नूं जिहड़ा हैगा समर्थन जिहड़ा हैगा उहनूं इत्थों इस जयकारे दे रूप विच मिल रहा है। असीं गल वी कर लैंदे हां कांग्रेस मोहाली दे जिहड़े डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट ने ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਗਿੱਲ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਜੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ,
उन्होंने अज यह उपराला किया कि अपना हर बंदा जिहड़ा किसी भी रिलीजन तो होवे अपने घरों करी 6 बजे अपने नारे बुलंद करने हैं। उसका रीजन यही है कि जिहड़ा अपना जो भी अपना बकाया हैगा या जो भी हैल्प अपना सेंटर तो डिमांड की है वह अपनी पूरी होगी, क्योंकि वह डिमांड तो पूरी होनी क्योंकि पंजाब दे विच तुहानूं पता है NRI किन्ने लैंड किए ने, किन्ने वापस गए ने, तो इंडिया विचों पंजाब दे विच बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा क्योंकि ड्यू टू NRIs। इस करके आपां चाहुंदे हां कि जो भी अपनी डिमांड्स ने वो अपने सेंटर सरकार तो आपां नूं पूरियां छेती तो छेती मिलन। पंजाब दे जिहड़े लोक ने माता मैं तुहानूं पुछना चाहवांगा कोरोना जिहड़ा हैगा की समाज मुक्ति चाहुंदा कोरोना तो? हां जी ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਜੈਕਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਜੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਛੁਪੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਛੁਪੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਜਲਦ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ, ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇ, ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਈਏ, ਸਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਵੇ। ਦੂਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨਾਲ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਔਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਔਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੀ ਘੜੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡੇਲੀ ਰੋਜ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਭਿਆਨਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਰੋਗ ਸਾਡੇ ਜਗਤ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਰੋਗ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੀਤਿਕਾ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨੀਤਿਕਾ, ਜੈਕਾਰਾ ਜੈਕੋਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜੋ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? देखो किशन, तुहानू दस दिए कि मीह पैन के कारण जिहड़े ने आम लोग ज्यादा नहीं निकल पाए, पर तुसीं देखोगे कि MLA ते उन्हां दे परिवार जरूर निकले हुए ने ते जयकारे लगा भी रहे ने। बिल्कुल, MLA ਗੁਰਕਿਰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿੱਪੀ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਕਿਰਤ ਜੀ, ਆਹਵਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਮੀਂਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਜੋ ਲੜਾਈ ਪਿਛਲੇ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਲੋਕਡਾਊਨ ਰਿਹਾ, ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੈਕੇਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਉੱਠ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਕਾਰੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਂਦੇਵ, ਔਰ ਜੋ ਜੋ ਜਿਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਜਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਧਰਨ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵਧਾ ਸਕੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹ ਬੜੀ ਥੱਲੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਔਲੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਗੜੇ ਪੈ ਗਏ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਅਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕੁਛ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚੋ, ਕਿਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ, ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ MLAs ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਆਪਦੇ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ
वो कश्मीर तो लैके कन्याकुमारी तक एक हैगा है। इस करके एकता का सबूत दिता जा रहा है कि किसानी नूं बचाओ, बरसात हो रही है, उस बरसात दे विच तुसीं देखिया है कि असीं सब लोग कितने ना कितने आफत जिहड़ा है आफत बन के आया है। ते नाल ही साडे नाल जिप्पी जी ने, जिप्पी जी किस तरह देखते हो अज का दिन, कितना ज्यादा अहम ते जिहड़ा आह्वान दिता गया है, तुहानूं लगदा है कि इस टाइम कितना एकजुट होकर रहना जरूरी है? बहुत ज्यादा जरूरी है एकजुटता दा, क्योंकि अज सही महीनिया च पूरे पंजाब च पंद्रह दिन पहला बहुत ज़्यादा बरसात आ गई, उन्होंने गड़े गुड़े पे है, अपने किसानों का बहुत ज़्यादा नुकसान होया। जिवें साढ़े कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री साहब ने मोदी को रिक्वेस्ट की है भी एक पंजाब लई बकरा पैकेज बनाओ, ये मोदी जी को चाहिए पंजाब लई एक बकरा पैकेज बना के सानू इमीजिएटली पैसे रिलीज करने चाहिए ताकि साढ़े पंजाब का भला हो सके। बिल्कुल, दस दिए कि अज इतने चंडीगढ़ के मीह भी बहुत तेज पै रहा, पर फिर भी ये सारे MLA आए ने ते नाल ही मंग जिहड़ी है उन्हां वल्लों रखी भी जा रही है। अज जो एक कांग्रेस पार्टी ने प्रोग्राम लिखा वा भी समुचे पंजाब के लोग अज एक उत्ते खड़े हुए हैं कि जिहड़ी करोना वायरस की बीमारी नूं असीं लड़न जा रहे हैं, और जो भी दिशा निर्देश जिहड़ा सरकारां वल्लों आउंदा रहा सारे पंजाब के लोगों ने बड़ी जिम्मेवारी नाल निभाया, पर अज लोड़ है भी जिथे पंजाब की जिहड़ी मंग आ उहनूं भी सेंटर सरकार सुने। सो अज असीं सारा समुचा पंजाब इकट्ठा होकर दिल्ली सरकार दे उन्हां दे आवाज़ जिहड़ी पाउणा चाहुंदे आ भी सानू आर्थिक जिहड़ी साडी कैप्टन साहब ने जिहड़ी मंग रखी आ उहनूं जल्दी तों जल्दी पूरा कर सके, और पंजाब जिहड़ा वा पूरे हिंदुस्तान दा जिहड़ा पेट पालदा वा जिहड़ा अन्न दे के अज जिहड़ा वा ओह किसान नूं जिहड़ा मजदूर आ अज जो जिहदे उत्ते मुसीबत विच फसिआ ते सो सेंटर दा फर्ज बनदा वी ओह वी अग्गे आ के जिहड़ी आ ओह उहनां नूं पैकेज दी सुविधा वा ओह वी देवे। साडे नाल कुछ औरतां ने उहनां नाल वी गल करदे आ। मैम जे गल करिए सारे देश में इस टाइम मंदी के दौर तो गुजरना पै रहा है, पर पंजाब लई कितना जरूरी है राहत पैकेज? जी असी सारे नू अनाज दे रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, पर साढ़े नाल थोड़ा जहा मतरिया सलूक किया जा रहा सेंटर वालों, सो सानू भी थोड़ी जी राहत दे के थोड़ा जहा बचाने की कोशिश करनी चाहिए है। कैप्टन साहब नू थोड़ी जी हेल्प सानू भी लोड़ है, मोदी जी नू सानू हेल्प करना चाहिए। पहले नरेंद्र मोदी ने ताली ते थाली बजवाई ते हुन कैप्टन अमरिंदर ते सुनील जाखड़ जी ने आह्वान दिता है, दोनों च की फर्क देख दो मैम? फर्क तो यही है कि आवाज़ साडे सब दा इक्को ही मैसेज तो यही है कि मोदी जी तक एक ही मैसेज पहुँचाना है कि पंजाब लई थोड़ा जहा कोई वित्तीय पैकेज देन ताकि एक तो करोना की मार पई हुई है, उपर की जिहड़ी कुदरत मार पा रही है किसानां लई वो चलनी बहुत औखी है, सो इस करके मोदी जी नूं कुछ तो रिलीफ पैकेज भेजना चाहिए पंजाब लई, और इस पंजाब नाल कोई भी वितकरा नहीं करना चाहिए ताकि किसानां नूं इस जिहड़ी मार नूं ही चल सके। मैम तुहानूं लग रहा कोई वितकरा जिहड़ा पंजाब दे नाल पहला भी हुंदा रहा है ते हुण भी हो रहा है? बिल्कुल हो रहा जी, ता ही असी आज आवाज़ उठाई है। जाखड़ साहब जी ने कैप्टन साहब ने कहा है असी चाहते हैं कि सानू जिहड़ा पैकेज है बिना भेदभाव तो मिलना चाहिए, क्योंकि पंजाब एक ही जगह है जितों इन्ना मतलब अन्न पैदा होंदा है, सो अज तुहानू पता है बारिश का मौका है ते कणकां पईआं मंडियां च ते बुरा हाल है, तो असी चाहते हैं कि मोदी साहब बिना भेदभाव तो सानू सपोर्ट करन। बिल्कुल, तो जिहड़ी किशन मंग कीती जा रही है कि किसी भेदभाव तो बिना जिहड़ा है पूरा सपोर्ट केंद्र सरकार पंजाब नू करे, यही मंग जिहड़ी है वो कीती जा रही है। बिल्कुल, सो कितना किते जेकर देखा जाए तो पंजाब कांग्रेस के MLA विधायक उस तमाम लीडरशिप जयकारे लगा रही है, जिस तरह नाल ऐलान किया गया सी कि केंद्र तो जो राहत पैकेज है उसकी मांग की गई। नीतिका तुम साढ़े नाल जुड़े रहे हो, साढ़े नाल नवदीप भी मोगा तो जुड़े हुए हैं। नवदीप, किस तरह के हालात ने, लोग कितना हुंगारा दे रहे हैं इस मुहिम में? जी बिल्कुल कृष्ण, जे समय करिए तो मोगा के एक इलाके च खड़े हैं जिथे लोगों वालों जकारे जिहड़े आ बोले सोने हाल दे लगाए जा रहे हैं, ते उन्हां नाल लोकां नाल भी गल करांगे। किते ना किते मोदी सरकार वालों जिहड़ी पहलां तालियां थालियां खड़कवाईआं गईआं सीगीआं उस तों लैके पंजाब सरकार वालों भी इस तरह के जिहड़े जकारे आ सोशल डिस्टेंसिंग जिहड़ी आ मेंटेन पूरी कीती जा रही है, इत्थे लोक ने उन्हां नूं पुछदे आ कि जकारे लगा रहे आ पंजाब सरकार दी हिमायत कर रहे आ उन्हां दी की कहना चाहो? हां जी, बोले सो निहाल सत श्री अकाल। हां जी, जो कैप्टन साहब ने कहा नारा दिता है अही सारे रल के ला रहे हैं, और तेनू कोरोना नूं भजाउण भजावांगे इसे नारे नाल ही भजा देना। बिल्कुल कृष्ण, जिवें इन्हां नारे नाल ही भजाउण दी जिहड़ी कोशिश है देशवासियां वल्लों पंजाबियां वल्लों कीती जा रही है, कह रहे ने कि इस नारियां करके जकारियां करके जिहड़ी है कोरोना दी महामारी जिहड़ी देश च फैली हुई है असीं इहतों भजावांगे। होर वी लोक ने गल करांगे, की कहना चाहोगे?
जी बिल्कुल जी, जयकारे लाके असि बजाना चाहांगे, बोले सो निहाल। बिल्कुल, कितने ना कितने लोग उत्साहित ने, इतने जयकारे जेड़े ला रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग जेड़ी है मेंटेन कीती हुई है, दूर दूर खड़ के जेड़े है गलियां दे विच नारे जयकारे लग रहे ने। जी कृष्ण जी, नवदीप बने रहो तुसीं साडे नाल, कुलवीर भी साडे नाल जुड़े हुए ने। कुलवीर, की लगता है जयकारे लग रहे ने, केंद्र तक आवाज पहुंचाने की कोशिश हो रही है, की लगता है कि सफल हो सकती है पंजाब कांग्रेस जिस तरह के नाल डिमांड हो रही है केंद्र तो राहत पैकेज लैन की? देखो कृष्ण, जिहड़ी पंजाब कांग्रेस है उसकी भावें बेशक कोशिश हुए कि ये नारे जिहड़े हैगे ने ओ केंद्र सरकार तक पहुंचन, परंतु जे आम आदमी की गल करिए तो आम आदमी के जिहड़े जयकारे ने ओह किते ना किते परमात्मा दे कोल पहुंचन की कोशिश जिहड़ी हैगी है ओह आम आदमी कर रहा है। असीं तुसीं तुहानूं पुछना चाहांगे, असीं कांग्रेस की जिहड़ी कोशिश है ओह ये है कि केंद्र तक आवाज जिहड़ी हैगी ओह पंजाब की पहुंचनी चाहीदी है, लेकिन तुसीं आम लोग हो, आम लोग की चाहता कि तुहाडे जयकारां दी, क्योंकि पवित्र नाम तो जयकारे जिहड़े हैगे ने ओह बुलाए जा रहे हैं, ये आवाज परमात्मा तक जरूर पहुंचे क्योंकि वह इस मुश्किल नूं हल करेगा। असीं जी मतलब केंद्र सरकार तक असीं पहुंचाना चाहते आवाज, क्योंकि सेंटर नूं पता लगा कि पंजाब विच सारे लोग जागरूक हैंगे। आम आदमी जिहड़ा हैगा ओह परमात्मा तक जरूर आवाज पहुंचाना चाहेगा कि यह मुश्किल जिहड़ी हैगी है ओह हल होवे, बेशक कांग्रेस जिहड़ी हैगी है ओह केंद्र तक आवाज अपनी पहुंचाना चाहती है। श्योर जी, केंद्र तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहती है, नालों कई चीजें अंदर भी है, जिस तरह असीं कह सकते हैं मिडल क्लास फैमिली कुछ नहीं हो रहा, असीं मिडल क्लास फैमिली चाहते हैं कि साडी फीस माफ होवी होवे, कोई भी बंदा कोई भी पार्टी है ओह सिर्फ ओह सिर्फ गरीब लई ते अमीर लई है, मिडल क्लास फैमिली कुछ नहीं हो रहा, फीस माफ कीती जावे, ते जिहड़ी किश्तां ने 3 महीने टाल दी गई हैं ਉਹ ਟਾਲ ਦੀ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰੰਤੂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਲੀਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। आम आदमी की चाहेगा कि परमात्मा तक तुम्हारी आवाज जरूर पहुंचे, जरूर पहुंचे, जरूर पहुंचे, कोरोना नठूगा हुण की कहोगे सर, कोरोना तो आजादी चाहिए है, परमात्मा का भी नाम लिता जा रहा है, एक पवित्र नाम लिता जा रहा है, दूजा कांग्रेस की कोशिश है कि केंद्र तक आवाज पहुंचे, तुसी कित्थे आवाज अपनी पहुंचाने वास्ते जयकारे लगा रहे हो? कोरोना नु भजाउण वास्ते जी, केंद्र भजाउण वास्ते जी। बिल्कुल समझिया जा सकता है, सोशल डिस्टेंसिंग दे नाल ए हल्ला सिरी जिहड़ी हैगी है ओह पंजाब कांग्रेस दे अध्यक्ष सुनील जाखड़ वल्लों जिहड़ा आह्वान किया गया सी उन्हां लोकां ने दित्ती है, ते क्योंकि हालांकि करफ्यू है ते बारिश है, इस करके लोग जिहड़े हैगे ने ओह अपने अपने घरां दे बाहर जिहड़े हैगे ने ओह खड़े हो के इस अभियान का हिस्सा बने ने, ते किते ना किते जयकारा जिहड़ा हैगा ओह लगाया गया, बेशक कांग्रेस वालों एक कोशिश की गई है कि पंजाब की आवाज़ जिहड़ी हैगी है सियासी तौर पर इसनूं देखिया गया, क्योंकि किते ना किते केंद्र सरकार तक जिहड़ी हैगी है पंजाब की आवाज़ पहुँचाने की एक आह्वान जिहड़ा हैगा ओह सुनील जाखड़ ने किया, परंतु जिहड़ा आम आदमी है उसके जयकारों के जरूर यह भावना छिपी हुई सी कि जिहड़ी उन्हां दी आवाज़ है उन्हां दे जयकारे ने ओह किते ना किते परमात्मा तक भी पहुँचन, क्योंकि परमात्मा ने इस मुश्किल नूं हल करना है, क्योंकि पूरी दुनिया जिहड़ी हैगी है ओह इस बीमारी की चपेट दे विच है ते हर कोई जिहड़ा हैगा इस तों छुटकारा पाना चाहुंदा है। कृष्ण जी, जी कुलवीर, कुलवीर जिस तरह के नाल असीं जिक्र कर रहे हैं कि जयकारा जयकोश प्रोग्राम, हालांकि कांग्रेस कह रही है कि केंद्र तक आवाज़ पहुँची, कुलवीर की देखिए जिस तरह के नाल चलो केंद्र तो मंग रखी जा रही है कि फंड दो, आखिरकार पंजाब नू किस तरह आपके पैरों सिर खड़ा होना चाहिए जेकर असी देखिए तो केंद्र तो मंग, हालांकि पंजाब मंग रहा है पर पंजाब नू अजिहा की करना चाहिए कि अपने पैरों सिर आप खड़ा होवे, हालांकि पानिया के मुद्दे के तमाम अजिहे मुद्दे ने, भावें रॉयल्टी का मुद्दा होवे, दूसरे सूबों तों वसूलण की गल होवे, तमाम अजिहे गल्लां ने जो वख-वख सियासतदान चुकते हैं, आखिरकार करे की पंजाब सरकार जो अजिहे मसले ते पंजाब अपने पैरां सिर आप खड़ा होवे? जी बिल्कुल, पंजाब कांग्रेस दे कुछ लोग ने साडे नाल, उन्हां तों इह जवाब लै लैंदे, मोहाली दे प्रेजिडेंट ने साडे साडे नाल, तुसीं दसो कि पंजाब नूं की करना चाहिए, पंजाब अपने लैवल ते भी कोशिशां जिहड़ियां हैगियां कर रहे, तुहाडी सरकार है पंजाब दे विच किन्नियां कोशिशां तुसीं कर रहे हो ते किन्ना कामयाब हो?
पंजाब दे विच एक्चुअली पंजाब दे लोकी हैगे बहुत ज्यादा दयालु जी, जेडे अपने परसनल भी बंदे आ, पंजाबी जेड़ा भी बंदा हैगा खुद ही बहुत दयावान है। आपां सारे वर्ल्ड नूं फीड करदे, सारे इंडिया नूं फीड करदे आ, इस करके दिल साडे बहुत वड्डे आ। पर रीजन है कि पुरानी सरकारां ने कोई खात्यां च पैसे नहीं छड्डे ते ना कुछ अपने उहदे विच ना कुछ बचिया होया, इस करके सेंटर तों जिहड़ी एड चाहीदी आ बहुत ज्यादा जरूरी है। सेंटर तों जिहड़ी एड चाहीदी आ बहुत ज्यादा जरूरी, उहदा रीजन है क्योंकि वर्ल्ड चेन पूरे देश इंडिया दे विच इन्ने एनआरआईज नहीं जांदे जिन्ने अपने जिन्ने इत्थे आउंदे ने, ते क्योंकि थोनू पता पंजाब दे विच एनआरआईज किन्ने ने, ते एनआरआईज तो इनफैक्ट हो के यूरोप तो हो गया, चाइना तो हो गया, अमेरिका तो मन्निया जा रहा है कि केंद्र सरकार फंड जारी करे। नीतिका मैं तुहानू भी सवाल पूछांगा, जेकर तुहाडे नाल कांग्रेस दे विधायक जुड़े होए ने तां उहनां नूं सवाल करन दी जरूर कोशिश करो कि केंद्र तों तां फंड मंगिया जा रहा है क्योंकि पंजाब दा हक है, पंजाब नूं मिलना चाहिए, इस च कोई दोहराए नहीं कि आखिरकार पंजाब नूं अजिहा की करना चाहिए कि वह अपने पैरों सिर आप खड़ा होवे कितना कितने, हालांकि केंद्र कोल जो फंड है जो सरकार ने देना है पंजाब नूं तां देना चाहिए, पंजाब दा हक है, पर पंजाब नूं जिहा की करना चाहिए तुसीं विधायकां तों जानने की कोशिश जरूर करो। जी बिल्कुल किशन, उन्हां तों जानदे हां कि किस तरह गुरकिरत जी जे गल करिए किस तरह तुहानूं लगदा कि पंजाब नूं खुद ही जिहड़ा मजबूत बनाया जा सकता है क्योंकि जदों ते सत्ता विच आई है कांग्रेस बार बार यही कह रही है खजाना खाली है, फाइनैंशियल क्राइसिस ने, किस तरह खुद नूं अपने पैरां ते खड़ा कर सकता है पंजाब दोबारा? देखो पिछले 10 साल जदों अकाली भाजपा सरकार सी उदों तां पंजाब दे विच बड़ी बद इंतजामी सीगी और उहदे नाल की होया कि फाइनैंशियल जिहड़ा सिस्टम सीगा बिल्कुल ही बिखर गया सी पंजाब दे विच, बहुत ज़्यादा वित्तीय हालात माड़े सीगे जदों असीं 3 साल पहलां सरकार संभाली है, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी और उन्हां दी मंत्री मंडल ने और असीं सारे ने रल के अपनी सूझबूझ नाल सरकार चला के तां 3 साल दे विच पंजाब नूं उहदे पैरां ते खड़ा कीता। जो इस वार दा साडा जो बजट सीगा उह भी बड़ा लोक हितैषी सीगा और बड़ा डिवेलपमेंट ओरिएंटड सीगा, लेकिन पर पता नहीं सी भी इस तरह की मार पै जाएगी और देख लो हर रोज़ करोड़ों रुपये का पंजाब नूं नुकसान हो रहा, पूरे देश नूं ही हो रहा नुकसान। तो ये असी अगर पंजाब नूं अपने पैरां ते खड़ा करना है, अगर असी दोबारा उस रफ्तार नूं अगे वधाउणा तां सानूं जरूर केंद्र वालों कोई ना कोई मदद मिलनी चाहिए, तो उहदी असी मंग कर रहे हैं, असी कोई अपना हक मंग रहे हैं, असी कोई ये तो है नहीं भी असी कोई आउट ऑफ द वे कोई चीज़ मंग रहे हैं। सो इस करके केंद्र सरकार नूं वितकरेबाजी तो दूर हो के पार्टीबाजी तो उपर उठ के पंजाब की जिहड़ी आ खास करके मदद करनी चाहिए आ। अज मंडियां दे विच फसल आई हुई है, की कहते हैं अज हालात जिहड़े ने मौसम जिहड़ा वा उहदी भी बड़ी इस तरह मौसम जिहड़ा वा वह मंडियां नूं और फसल नूं खराब कर रहे हैं। सो इस करके असी ये मंग कर रहे हैं पूरे यूनाइटेडली, पूरा पंजाबी अज एक मंच ते आ, अज पूरे पंजाब दे लोग जिहड़े ने इस गल दे लई अज एक सोच रहे ने कि सानू जरूर पैरां ते खड़ा होण लई केंद्र सरकार भी साडी मदद करे। पर सर तुहानू लगदा है कि जिन्ना किसानां लई करना चाहीदा है उन्ना पंजाब सरकार कर रही है, यूथ लई या फिर इंडस्ट्रीज जिन्नियां होनियां चाहीदियां ने उन्नियां हैगियां ने? देखो गल है कि जदों साडी सरकार होंद दे विच आई सीगी उदों जिहड़ी अकाली बीजेपी गौरमेंट सीगी 31,000 करोड़ रुपया जिहड़ा सी पंजाब दा उहनां नूं दे के चली गई सी, इस करके साडी सरकार हमेशा ही जिहड़ा हैगा तह दिली नाल काम करदी है। हुण तुसीं देखिया होणा कि 3 फसलां आईआं, 6 फसलां आईआं सीगियां जिहड़ी कि सवेरे जांदा सी किसान शाम नूं आपदी फसल वेच के आ जांदा सीगा, हुण वाली फसल दे वी असीं सारे प्रबंध कीते होए सी, ईवन जिहड़ा हैगा साडी CCL लिमिट बणी होई सीगी, सारे प्रबंध सीगे, पुख्ता प्रबंध सीगे। आ जिहड़ी रब दी मार पै रही आ, अज बरसात होई आ, जिहड़े गड़े पै रहे ने, जिहड़े ओले पै रहे ने, इहदे नाल बड़ी वड्डी किसानी नूं मार पई है। इस करके सारे पंजाबी इकट्ठे हो के एकजुटता दे नाल मोदी जी नूं कह रहे कि मोदी जी ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆਪਣਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਉਹ ਸੰਕਟ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਦਾ ਬਜਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਬਜਟ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਸੀਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਬਜਟ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 3 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਏ, 2 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MLA ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀਗਾ, ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਉਹ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਆ,
और लोगों ने यह माहौल दिता इन्होंने तिना साल भी आपके घर भी सुरक्षित है और आपके काम कार वो आपकी तसली कर सकते और जिथे मतरेई मां वाला सलूक असं कहने हमेशा ही आप सारे पता भी पंजाब जिथे किसानी इंडस्ट्री के लुधियाने वर्गे वे वे साइकिल इंडस्ट्रिया पहले नंबर से और साढ़े नाल ही इतों चंद किलोमीटर दूर जो बद्दी के जो सेंटर सरकार ने खोल के पंजाब का बेड़ा गर्क किया इंडस्ट्री का सो सानू यह शंका वा भी आने वाले टाइम फिर कोई यहो जी राहत दे के साडे गुआढ़ी सूबे अज हरियाणा वेखो इंडस्ट्री के सिर पर कितने पहुँच गया अज जो हिमाचल है वह कितने पहुँच गया उधर जो जे एंड के वाले बन्ने गल करिए उधर इंडस्ट्री का कुछ शुरू हो जाता सो साडे बॉर्डर एरिए जी उ इंडस्ट्री आनी चाहिए आ पंजाब इंडस्ट्री के राही उपर जो चुकना चाहिए और आने वाले टाइम के जिमें देखो किशन जो अलग अलग एम एल ए की जी राय सामने आ रही है उन्होंने साफ तौर पर यही कहना है कि पंजाब सरकार अपनी तरफ तो पूरी कोशिश कर रही है बजट भी इस तरह बनाया जा रहा है कि ताकि लोगों पर कोई बोझ भी ना पवे तो पंजाब जोड़ा है अपना खजाना भी भर सके पर फिलहाल कह सकते हैं कि जयकारे उन्होंने वालों लगाए जा रहे हैं नारे उन्होंने वालों लगाए जा रहे हैं ताकि केंद्र सरकार तक जी है उन्होंने आवाज़ पहुँच सके जी नीतिका बहुत बहुत धन्यवाद कुलवीर थोड़ा ही बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं लाइव तस्वीर सानू दिखाने के लिए सो पंजाब कांग्रेस के वलों जयकारा जयकोश प्रोग्राम का ऐलान किया गया उस दे तहत पंजाब के विधायक समुचे लोगों वलों इस मुहिम के जुड़ा गया तो कितना कित केंद्र सरकार तो मांग की गई है कि जो फंड है जो पैकेज है वो पंजाब नूं दित्ता जाए पर कितना कितने पंजाब नूं खुद अपने पैरां सिर खड़े होने की जरूरत है इस ते विश्लेषण करन दी बहुत ज़्यादा जरूरत है पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन दे विच लै लैणी तद तक लई मैनूं यानी कि क्रिश्चन सिंह नूं दो इजाजत धन्यवाद।